डियर स्टूडेंट्स, पिछले टाइम पे आपको बताया था चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप जी आपका चक्रीय ग्रुप है, तो जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान है कि जी के प्रत्येक अवयव को इस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, तो ये ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप हो जाता है। अब अपन इस पर एक प्रमेय करेंगे कि परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो अपन क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना जी ए द्वारा जनित परिमित चक्रीय ग्रुप है, परिमित चक्रीय ग्रुप है, और क्योंकि अपन को इस ग्रुप की कोटि और जनक की कोटि बराबर दिखानी है, तो अपन जनक की कोटि अपन एन ले लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, तो मीन्स ए की पावर एन बराबर ई होगा, जहाँ एन आपका ई जी में तत्समक अवयव है और एन क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है अपने को, क्योंकि दिखाना है आपको, सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी है वो एन के बराबर दिखाना है। तो इस अपन एक समूचे ले लेंगे कि माना एच है जिसके अंदर अवयव हैं ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर एन जो कि दशमक अवयव है एच के अंदर। यदि अपन दिखा दें कि जी और एच बराबर हैं, एच के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। एच और जी बराबर हैं तो जी का ऑर्डर भी एन आ जाएगा, जो कि अवयव ए के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन सर्वप्रथम अपन सिद्ध करेंगे कि जी और एच दोनों बराबर हैं। जी और एच दोनों समान है, या एच है वो जी के बराबर है। एच किसके बराबर है, जी के बराबर है। इससे पहले अपन दिखाएंगे कि एच के सारे अवयव भिन्न भिन्न भी हैं, साथ में स्पष्ट आपके पास है यहाँ पर कि एच है वो सबसेट है जी का, एच सबसेट है जी का। ये इसको जैसे नंबर एक लगा दिया, इसको दो लगा देंगे, एच सबसेट है जी का, क्योंकि जी आपका ग्रुप है तथा ए है वो जी का अवयव है, ए जी का अवयव है, तो मीन्स ए ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन ए की पावर एन सारे जी के अवयव हैं, तो एच सबसेट हो जाएगा जी का। एच को जी के बराबर दिखाने से पहले अपन दिखा देंगे ऑर्डर ऑफ एच है वो एन है, अर्थात एच के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं। तो अपन सिद्ध करेंगे अब कि एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं। पहले अपन ये दिखा देंगे एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। ये दिखाने के लिए अपन मान लेंगे कि माना दो अवयव हैं ए आई और ए जे, ये दोनों अवयव एच के अवयव हैं, ये दोनों समान हैं, जहाँ जे का मान है वो आई से कम है, जे का मान एक मिनिमम एक है और आई का अधिकतम मान एन है, आई का अधिकतम मान कितना है एन है, ये अपन ले लेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं कि ए ग्रुप जी का अवयव है, तो ए की पावर जे भी जी का अवयव है, ए की पावर जे जी का अवयव है, तो इसका इन्वर्स भी जी का अवयव है, अर्थात ए की पावर माइनस जे है वो जी का अवयव है। इस अवयव से दोनों पक्षों में अपन संक्रिया करवा देंगे, तो ए आई को ए माइनस जे से संक्रिया कराई, ए जे को ए माइनस जे के साथ में संक्रिया करवाई। करवाने पर आपके पास क्या करेंगे, दोनों पक्षों में संक्रिया करवा देंगे। करवाने पर आपके पास ये आ गया, और इसको आप सिंप्लीफाई करें
तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज, ये पक्ष आ जाएगा a की पावर i माइनस j इक्वल टू a की पावर 0, j माइनस j अर्थात 0, और ये होता है तत्समक अवयव। तो a की पावर i माइनस j है वो 0 आ गया। आप देख रहे हैं कि i माइनस j है वो धनात्मक पूर्णांक है, i माइनस j। आप देख रहे हैं कि i का अधिकतम मान है, जे का अधिकतम मान एन माइनस वन हो सकता है, तो इसका न्यूनतम मान ए हो सकता है, और अधिकतम मान है वो कितना होगा, एन माइनस वन अर्थात एन से कम होगा, एन से कम होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि आई, क्योंकि अपन ने देखा था कि वन लेस देन इक्वल टू जे लेस देन आई और लेस देन इक्वल टू एन है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि वन लेस देन इक्वल टू आई माइनस जे लेस देन एन, लेस देन एन, तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक है ए का। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू आई माइनस जे, और ये लेस देन है एन से, एन से लेस देन है। जबकि अपन ने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है, एन है, और एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, और एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक था, तो ये जो ऑर्डर ऑफ ए है वो असंभव है। असंभव कब हुआ, जब अपन ए आई बराबर ए जे माना, इसका मतलब है अतः आपके पास ए आई है और ए जे है वो समान नहीं है, ए आई और ए जे समान नहीं है। तो मीन्स एच के सभी अवयव अवयव भिन्न भिन्न है, एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ एच कितना हो गया, एन। तो ऑर्डर ऑफ एच है वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसको नंबर 3 लगा देंगे। अब अपन देखेंगे कि अपन ने पहले दिखा दिया कि एच सबसेट है जी का, अब अपन दिखा देंगे कि जी है वो सबसेट है एच का, ये अपन दिखाएंगे। जी सबसेट है एच का, इसके लिए अपन मान लेंगे कि माना बी है जी का स्वेच्छ अवयव आर्बिट्री अवयव है, स्वेच्छ अवयव है, क्योंकि जी आपका ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, तो बी जी का अवयव है, तो ऐसा आपके पास धनात्मक पूर्णांक, आपके पास ऐसा पूर्णांक एम ले लेते हैं, होगा कि b इक्वल टू a की पावर m, क्योंकि g के प्रत्येक अवयव, क्योंकि चक्रीय ग्रुप है, तो g के प्रत्येक अवयव को a की पूर्णांक घात के रूप में अपन लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू a की पावर m आ जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि m और n दोनों आपके पास z के अवयव हैं, तो यदि m को n से अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास ऐसे Q और R Z के अवयव आपके पास प्राप्त होंगे कि M बराबर क्यू एन प्लस R के रूप में लिखा जा सके, जहां R का मान है 0 से लेकर N से कम तक है, N से कम तक होगा, ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन देख रहे हैं कि B जो कि a की पावर m के रूप में है, b a की पावर m के रूप में है, तो a की m की जगह अपन क्या रख दें, यहाँ से नंबर 4 नाम दे दें इसको, तो 4 से ये मान रख दें, तो b कितना आ जाएगा, a की पावर q n प्लस r हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर q n और a की पावर r, इक्वल टू, क्योंकि q और n दोनों z के अवयव हैं, तो a की पावर आ जाएगा n q, लिख दीजिए इसको a की पावर r, क्यों, क्योंकि n और q किसके अवयव हैं, z के अवयव हैं, और z में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होती है, तो इससे ये आ जाएगा इक्वल टू, तो ये b जो आपका है वो कितना आ गया, a की पावर n की होल पावर q a की पावर r, इक्वल टू, क्योंकि a की पावर n कितना e है, a की पावर q a r, सिंस आपके पास a की पावर n कितना है, e है, और e की पावर q कितना होता है, e होता है a की पावर r, तो ये आ गया a की पावर r,
बी का मान आपके पास ही आ गया। आप देख रहे हैं कि आर का मान कितना है, जीरो से लेकर एन तक कम है। तो आप देख रहे हैं कि आर का मान एक दो तीन एन माइनस वन तक है, तब सारे ए की पावर आर है वह एच का अवयव है। किसका अवयव है? एच का अवयव है। और साथ में ए की आर का मान जीरो है तो अर्थ ए की पावर जीरो कितना होता है? तत्समक अवयव होता है। कितना होता है? तत्समक अवयव होता है। तो मीन्स बी जो कि ए की पावर आर है वो किसका अवयव हो जाएगा? एच का अवयव हो जाएगा। तो अपने क्या लिया था? बी जी का अवयव लिया था और क्या दिखा दिया कि बी एच का अवयव है। बी एच का अवयव, ये बी जी का स्वेच्छ अवयव था। तो मीन्स जी है वो सबसेट हो गया एच का, जी बी सबसेट हो गया किसका? एच का। इसको नेक्स्ट नंबर 5 लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं एक तरफ अपने पहले देखा था नंबर 2 क्वेश्चन सी, 2 थी शायद, कि एच देखा था, एच सबसेट है जी का नंबर 2 में, और और साथ में देखा ऑर्डर ऑफ एच बराबर एन नंबर 3 में देखा था, और नंबर 5 में अपन ने देखा है क्या देखा? जी सबसेट है एच का। तो 2 और 5 से आपके पास आ जाएगा जी बराबर एच, जी बराबर एच। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच के। ऑर्डर ऑफ एच कितना है? कितना है? एन है नंबर 3 से। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ, और एन क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ ए के बराबर भी है, और एन है, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए है। तो मीन्स अपन ने देखा कि जी आपका चक्रीय ग्रुप है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो गया। तो परिमित चक्रीय ग्रुप में परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया कि फलत है परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है, बराबर होती है। एक बार दोबारा देखिए, इस चरम को प्रूव करना है तो आपको क्या करना है कि जी ए द्वारा जनित अपन चक्रीय ग्रुप ले लेंगे। जी है वो ए द्वारा जनित अपन चक्रीय ग्रुप ले लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए एन ले लेंगे तो ए की पावर एन ई आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? ए की पूर्णांगात के एन अवयव लेकर एक समुच्चय एच बनाएंगे। एच में ए ए स्क्वायर ए की पावर एन जो कि ई के बराबर है ये ले लेंगे। एच और जी को दोनों को बराबर दिखाएंगे। साथ में इससे पहले अपन ये भी दिखाएंगे कि एच के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं। एच के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं। जैसे ही अपने पास एच और जी दोनों बराबर आएंगे तो मीन्स ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ऑर्डर ऑफ एच कितना है? एन के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ जी है वो भी कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। और n आते ही अपन कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ g बराबर ऑर्डर ऑफ a, अर्थात परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि समान है। तो h और g को बराबर दिखाने के लिए कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा? h सबसेट है g का और g सबसेट है h का, क्योंकि h के अंदर आपके पास अवयव a a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n थे। तो जी चक ग्रुप है, जी में ए अवयव है तो ए के सारे पूर्णांक घात के अवयव जी के अवयव होंगे। तो ए सबसेट हो जाएगा जी का, ये तो अपने पास स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जी को एच का सबसेट दिखाना है तो अपन बी जी का स्वेच्छ अवयव लेकर बी को ए की ऐसी पूर्णांक घात के रूप में लिखेंगे, प्राप्त करेंगे, ताकि उसका मान वो एच का अवयव बन जाए। तो जी सबसेट हो जाएगा एच का। इस तरह से अपन इस थ्योरम को करेंगे। आप याद रखिए। थैंक्स।